वेलकम बैक गाइस वंस अगेन टू माय चैनल। इसके पहले कि आज का लास्ट एपिसोड शुरू करें, आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू हु हैव लाइक्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। पिछले दो एपिसोड में मैंने अपनी जर्नी मुंबई से अपने घर से दिखाई और फिर यहाँ पे हम कैसे पहुंचे, चेक इन किया, खाने पीने के बारे में बताया, म्यूजिक पे डांस किया, नाइट में खेले और लाइव सिंगिंग के साथ बॉनफायर में मजा किया। लेकिन आज का एपिसोड एकदम हटके है क्योंकि मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने ना डिटेल्स में बताई होगी। चैलेंज है जैसे पावना की हिस्ट्री और एरिया के बारे में, नियर बाय फेमस स्पॉट्स एंड वेरी लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस फॉर ट्रैकिंग, होटल रिव्यू, बेस्ट एंड सेफ रास्ते आने जाने के लिए, वापसी में घर पे जाते जाते खूब हंसी मजाक, डायलॉग बाजी, चैलेंजेस और मजा, और लास्ट में घर पे पहुँचने के टाइम बढ़िया सी सरप्राइज। तो शुरू करते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, यही वाली जगह है जहां हम कल रात को पहुंचे और प्रॉपर दिख नहीं रहा था, हालांकि रात में अलग ही फील था और सुबह को जो है अलग लेवल का फील है। आपको पूरा वॉक थ्रू यहां का कराऊंगा। ये है कार पार्किंग एरिया जहां पे हमने कार पार्क की हुई है। बहुत सारे लोगों ने ऊपर कार पार्क करके वो नीचे चल के आए थे, 500 से ज्यादा गाड़ियां आई हुई है यहां पे। ये है गेमिंग एरिया जहां पे कल रात को हम आर्चरी खेल रहे थे, म्यूजिक कर रहे थे और टेबल टॉप जगह है, लोग अभी यहां पे फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे एंट्रेंस आर्च है जहाँ पे फोटो अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। इसके आगे जो है ये प्री फंक्शन का एरिया है, यहाँ पे खाने पीने की अरेंजमेंट की गई है और रात में मस्त एक आर्टिस्ट गाना गा रहा था। सच्ची बताओ आपको कैसे लगा? पुलिस आ गई इसके वजह से जो है बंद करना पड़ा, वरना तो लोग इतने एक्साइटेड थे कि लग रहा था कि सुबह तक ये सारी चीजें चलने वाली है। मेरा दोस्त खुद जो है सुबह को 6 बजे आके सोया। इन दोनों जगह के बीच में जो है प्रीमियम टेंट एरिया और 80 से 100 टेंट्स का अरेंजमेंट है यहाँ पे। फाइनली ये है पाथ टू हेवन, एंट्री टू पावना लेक। वाकई में दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन जगह है, मतलब जन्नत है, सभी उम्र वालों के लिए परफेक्ट जगह है। हेलो, हाय, पहचानने की कोशिश कर रही थी कौन है। बाय। उधर दिखा ना कैमरे में, उनको अलोकेट हुआ था इवन नंबर। तो ये वाला जो है ये हमारे गाड़ी का है बेडिंग और ये ऐसे वाला सिस्टम था और ये पूरा गीला हो चुका था, बहुत पतला क्वालिटी का था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं बहुत अच्छी तरह से गाना गा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों ये तो बात हुई कैंपिंग साइट, अभी जानते हैं प्रॉपर पावना के बारे में। पावना महाराष्ट्र के पुणे जिले में मावल तालुका में लगता है जो लोनावाला और पुणे के बीच में पड़ता है और ये नदी पश्चिम घाट से शुरू होकर तालेगांव दबाड़े तक जाती है। इसकी लंबाई करीबन 60 किलोमीटर तक की है, इसका मतलब मुंबई ज्योग्राफिकल हिसाब से चर्चगेट से लेके वसई तक या फिर वीटी से लेके उल्लासनगर की दूरी तक, इतनी बड़ी इसकी नदी है। पावना नाम को लेकर काफी सारी मिथ है। कोई कहता है एक मुनि का नाम पावना था, उन्होंने इस जगह पर काफी साल तपस्या की इसलिए इनका नाम पावना रखा गया, जिनका एक प्राचीन मंदिर भी है। कोई कहता है ये पवनची से लिया है यानी पंखा, क्योंकि यहाँ पर पहले पवनची बनाए जाते थे। और कोई कहता है पावना मतलब मराठी में मेहमान और लोग अपने मेहमानों को लेकर यहाँ पे झील किनारे पे घूमने आते थे। क्योंकि हाई एंड होटल्स से लोग बोर हो गए हैं, वो अपनी बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं और नेचर के साथ समय बिताना चाहते हैं। आजकल यहाँ पर कैंपिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इस जगह का नजारा काफी खूबसूरत है और यहाँ पर रात को कैंप में मस्ती करने का अनुभव बहुत सुखद और यादगार रहता है। जहाँ पर शांत सुंदर वातावरण, खूबसूरत पहाड़ियाँ, आसपास के वाटरफॉल और ब्लू लेक देखने को मिलता है। यहाँ पर ट्रैवलर्स जो हैं स्विमिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा लेते हैं, इसलिए एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है जहां पर हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ऐसी काफी कम ओपन जगह है पब्लिक के लिए, वरना ऐसी प्रॉपर्टीज केवल प्राइवेट ग्रुप ऑफ होटल्स और कंपनी चलाती हैं।
क्योंकि सरकार ऐसी जगहों को टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देती। रीजंस काफी सारे हैं, इकोलॉजिकल फ्रजाइल, सिक्योरिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट सफाई, क्लीनिनेस, इसका असर एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ और लोकल कम्युनिटी पर भी बहुत पड़ता है। एंजॉय करने के बाद में सारी चीज इधर छोड़ के जाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को कि मिसयूज मत कीजिए, ताकि मतलब किसी को तकलीफ नहीं हो। और ऐसी वाली जो लोकेशन है ना, बहुत रेयरली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना किसी को दी नहीं हुई है ऐसी लोकेशन। यम किस्म का पोहा है, मतलब ऐसे वाला पोहा जो है ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन पोहा। हाँ, वेरी नाइस। दोस्तों ये देखिए सुपर क्यूटी डॉल, मैं तो मेरा तो मन यहाँ पे हो रहा था कि इसको मैं घर पे लेके जाऊँ, मेरे साथ रखूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अडोरेबल ये थी, और मेरी वाइफ के पास भी ये आसानी से गई, मेरे पास भी ये मस्त हिसाब से आ गई, और मुझे इसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके अलावा आउना के पास कई फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे लोहागढ़, इसको मराठी में विंसू कट्टा कहते हैं, इसके शेप के वजह से, मतलब स्कॉर्पियन टेल। आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है वैसे ही है जैसे एक स्कॉर्पियन की टेल होती है। तिकोना फोर्ट, ये भी सेम बेल्ट में पड़ती है और बहुत ही प्यारी जगह है, एक बार तो बनता है। तुंग फोर्ट, यहाँ से पूरे पावना लेक का व्यू मिलता है, और जो हमारी साइट है कैंपिंग की उसके सामने वाला यही पहाड़ है। कामशेत, जो महाराष्ट्र का पैराग्लाइडिंग स्पॉट है। जी हाँ दोस्तों, आप महाराष्ट्र में रह के भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, आपको इसके लिए हिमाचल या कोई इंटरनेशनल जगह पे जाने की जरूरत नहीं। इसका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, और इसके ऊपर मैं मस्त अच्छा वाला डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग से लेके सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कारला की एकवीरा माँ का मंदिर, जो पूरी समाज का धार्मिक स्थल है। और खंडाला लोनावाला, एक खूबसूरत हिल स्टेशन जो हर कोई जानता है। अगर आपको मीठा पसंद है तो वहाँ की फेमस चिक्की फज खा सकते हैं, और मैक्रो गार्डन का विजिट भी कर सकते हैं जहां फ्रूट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहां पे लोग जो है फिशिंग और सब चीजों के लिए इधर आते थे। यहां पे एक जन ने यहां पे कैंपिंग साइट खोली, उसको देख के और ने खोली, तो आप यकीन मान सकते हैं कि कितनी कैंपिंग साइट्स हैं। 120 के भी ऊपर यहाँ पे कैंपिंग साइट्स हैं, जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे आके है ना ये वाली चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुंबई से हार्डली 120-130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रूट मैप डाल सकते हैं, रूट मैप पे आप कामशेत लिख सकते हैं, कामशेत के बाजू में जो है पावना लेक लिख सकते हैं। दो रूट जाते हैं, एक जो है लोनावाला से जाता है और एक जो है पूना से जाता है। पूना से अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए कामशेत है, अगर आप मुंबई से आ रहे हैं आपके लिए लोनावाला है। पर तो भी मैं बोलूंगा लोनावाला आपके लिए काफी दूर पड़ेगा, क्योंकि उसके रास्ते जो है बहुत ही बेकार है, बहुत खराब है। मुंबई से आ रहे हैं तो आप पहले कामशेत आइए, कामशेत के बाद में आप पावना के लिए राइट मार लीजिए, वो बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। तो इसके बाद में थोड़ा सा अंदर आने तक, हार्डली 2-3 किलोमीटर तक थोड़ा काफी वर्थ है। क्या पानी है यार, एकदम मस्त, क्रिस्टल क्लियर। ये अगर आपके पास में पर्सनल कायाक है तो आप वो लेके आ सकते हैं, इन्फ्लेट करके, और यहाँ पे जाइए। हमारे सामने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली इनको कैसे लगा दिस प्लेस। वेरी चिलिंग, रात में तो बहुत ठंडा था, बहुत ठंडी लगी, बट इट वाज वर्थ इट, बहुत मजा आया। तो ये आपका पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है आपका ये यहाँ पे? ओके, और कहाँ से आए हैं आप? टाइम पे आपने देखा रहेगा काफी सारा म्यूजिक व्यूजिक चल रहा था यहाँ पे, डांस वांस काफी एक्टिविटीज हो रही थी। और ये सुबह को अगर ये व्यू देखोगे आप, तो पहाड़, लेक और उसके बाजू में जो है कैंपिंग साइट, इट लुक्स वेरी प्रिटी।
बेस्ट एक्सपीरियंस। बेसिकली ऐसे वाली साइट जो है नॉर्थ में काफी सारे हैं, वहाँ पे ऋषिकेश और ये सब साइड में है, पर अपने महाराष्ट्र में एग्जैक्टली आप लोग एक बार पावना लेक विजिट करो जो भी कैंपिंग करना चाहता है फर्स्ट टाइम। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, इतनी अच्छी लोकेशन और खेल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं यहाँ से अपना सिम्बा लेके गया था, आप देख सकते हैं ये, तो ये बॉल की गेम है जहाँ पे आपको इसको कैच करना है और इसको हाथों से ही छोड़ना है। बहुत ही प्यारी गेम है, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत मजा आ गया था यहाँ पे। तो ये जो है हमारी टेंट है, छोटी सी मस्त कोजी वाली टेंट है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कितना मस्त व्यू है। सामने लेक है और उसके आगे पहाड़ पे तुमफोर्ट है ना, आइडल जगह। देखिए आपने क्या मस्त व्यू लग रहा है, और ये साइड में सारे टेंट ही टेंट। बोल ना अंकल, और ये लगा दिया सचिन ने सिक्स। सचिन ना विराट, अक्षत, अक्षत ने सिक्स मार दिया है यहाँ पे। अप्पा नदी में जाए तैरने के लिए? हाँ बिल्कुल जाओ नदी में। तो फाइनली बारी आ चुकी है पानी के अंदर जाने की, नदी में जाने की, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज के वजह से मैं अंदर जा नहीं पाया। लेकिन बच्चे जो है अंदर बिल्कुल गए और इन्होंने काफी वहां पे एंजॉय किया, आप खुद ही देख लीजिए। नहीं नहीं जा रहा, नहीं जा पा रहा, नहीं जा, और नहीं गया, नहीं गया। अंश अंश एकदम गया, सीधा बैठ जाओ। ऐसे पार्ट एंड पीसेस में जाओगे ना तो और ठंडी लगेगी। मेरा दोस्त जो था वो अंदर जा ही नहीं रहा था, तो मैंने बोला बच्चों को भिगा उसको। दीपक अंकल को भिगाना है पूरा, पूरी तरह से ऑन ए मार, गेट सेट गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मछली जब ही वहां पे जाल में फंसी हुई थी वो टाइम पे शार्क समझ के छोड़ दिया। बचपन में गेम खेलते थे कि पत्थर को जो है हमको वहां पे डालना, और कितना बहुत ज्यादा तो मैं यहां से तुम भी कर रहा हूं। पाँच पाँच, और वो भी एकदम छोटा वाला, ये था आपको गिनना है। दीपक भाई ऑन ए मार्क गेट सेट गो, तीन तीन। दीपक भाई का बारी है, दीपक भाई जो है पत्थरों से कास्टिंग। स्लोप से मारने का, स्लोप लंबा नहीं रे, स्लोप से देखो नीचे। गाड़ी बहुत ही खराब हो चुकी थी और वहां पे हमको लकीली पाइप और पानी मिला, तो इसके लिए हमने उसका मौके का फायदा उठा के गाड़ी को धो लिया और बहुत ही मस्त क्लीन गाड़ी हो गई वहां पे। तो फाइनली हम यहां से निकल पड़े हैं, आप देख सकते हैं यहां का टॉप व्यू बहुत ही सही लग रहा है, जो कल रात आने में समझने में नहीं आ रहा था। इन केस अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो राइट साइड पे आई बटन को क्लिक करके वो देख सकते हैं। फाइनली बारी आती है इस साइट को रेटिंग देने की, पावना लेक नाइट फायर कैंप के नाम से ये जगह का नाम है। मैं इस जगह को 8 में से 10 दूंगा। ऑनेस्ट स्पीकिंग ये बहुत ही सही साइट है, और वो 2 पॉइंट भी मैंने इसीलिए कम किए क्योंकि टेंट काफ़ी पतली क्वालिटी की थी और रात में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और इसके ओनर तुषार ने मुझे ये अश्योरिटी दी है कि वो इसको जल्दी से रेक्टिफाई कर देंगे, और वो बहुत ही जेन्युइन और अच्छे लोग हैं। पूरी फैमिली मिलके ये बिजनेस चला रही है,
ये भी दोस्तों सिर्फ 1000 रुपए में इससे ज्यादा क्या तो मिलेगा, जिसमें आपको इवनिंग में पकोड़े के साथ मस्त वाली चाय, शाम को 7 बजे पनीर और चिकन बारबेक्यू स्टार्टर्स, डिनर में फुल फ्लेज्ड वेज एंड नॉन वेज के खाने, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पोहे और उसके साथ में मस्त चाय। और हाँ, रहने की जगह भी, और इसकी सारी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। इन केस अगर आप मेरे चैनल का नाम लेकर जाते हो वहां पे, तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ लेने जा रहे हैं। कौन आएगा इधर? हाँ भाई, प्रॉब्लम ये हो गया है कि इनके पास में सिर्फ 5 ही स्टिंग है और हम हैं 6। ATM हर एक इसके अंदर रहते हैं जहाँ पे कैश निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए पानी, और वो भी सिर्फ 1 रुपए में। तो मैं यहाँ पे जो है चेक करता हूँ। चलो 1 रुपया है, तो अभी हम जो है इस पहले में डालता हूँ इधर, और ये देखिए यहाँ पे शुरू हो गया। गेम खेलने वाले हैं, तो जो जो गेम में इंटरेस्टेड है प्लीज वो ही आंसर देंगे। बताना है कि कौन से पिक्चर का डायलॉग है, यार हाथ उठा के। तो पहला डायलॉग जो है, तेरा क्या होगा कालिया। किसने उठाया पहले हाथ? सबने उठाया। चलो चलो 1 2 3 एक साथ में बोलना है। छोले 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 राजमा, सब जीत गए यहाँ पे सबके लिए। सेकंड वाला जो है डायलॉग, उसके लिए हाथ उठाना है, बोलना है मैं जोर से बोलना है, ठीक है? छोटी बच्ची हो क्या? कोई भी नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। कोई भी मी मनित मनित वापस से कम ऑन, जिसने मी बोला वो बोलो मने दिल वाले दिल वो है। आए तो कहना छेनू आया था। बोलो डायलॉग याद है, पिक्चर याद नहीं है, यही तो था। लोग चैलेंज कर रहे हैं, आए तो कहना छेनू आया था। तो पहले वाला जो है दीपक भाई बताएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। फिर बाद में जो है दीपक भाई की वाइफ भी बोलेगी, ये भले अपने अंदाज में बोल सकती है, भले मराठी में बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह रहेगा, आज तो कहना कि छेनू आया था, बहुत दम है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, और आइंदा मेरे किसी भी आदमी के ऊपर आंख उठाने की जरूरत की तो मोहल्ला का मोहल्ला उड़ा दूंगा, ठीक है? ये पिक्चर का नाम है मेरे अपने, और इसका जो मूड है ना वो वैसा है कि दो खास दोस्त रहते थे, पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है लड़की को लेके। तो वो जो है वो एक उसमें से दोस्त उसके घर पे जाता है, दूसरे के घर पे, और वहां पे जाके वो उनको बताता है कि कहाँ है शाम, कहाँ है। तो उसकी माँ जो रहती है वो बोलती है कि वो बच्चे को लेके दवा खाने गया हुआ है। और वो जो इमोशन है ना कि वो दोस्त था और अभी वो दुश्मन हो गया है, पर उसने इतना गलत किया है उसके साथ में कि उसको जो है ना ऐसा लग रहा है कि उसको मार डालना है, और वो अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, गैंग के साथ। तो जो एक्सप्रेशन है वो वैसे आए तो कहना छेनू आया था, गुस्सा बेशक दम है तो आ जाना मैदान में, वरना बाथरूम में चले जाना। दम निकालने के लिए दो ही जगह है ना, मैदान या बाथरूम। तो मनित जो है यहाँ पे सेकंड आया हुआ है दीपक भाई, मनित का हम देखते हैं कि कैसे बात करता है गुस्से में एकदम। बेटा वो तो बिट्टू को दवा खाने लेके गया है। हाँ तो कहना कि छेनू आया था, बहुत दम है तो बेशक आ जाए मैदान में, जितने भी ऐसे तो वो निकाल दे, आइंदा मेरे किसी भी आदमी को जरूरत करने की भी कोशिश की तो मोहल्ला का मोहल्ला डालूंगा।
क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। महाराष्ट्र में संगमनेर के बाजू में शेड़गांव है, शेड़गांव में दीपक नागरे के साथ में उन्होंने शादी की हुई है। बहुत ही बढ़िया जगह है, मैं खुद जाके आया हूँ, एक बार आप भी जाके आके देखिए वहाँ पे। बढ़िया एकदम मास फुल देसी वाइब्स, ऑल देसी थिंग्स। मंदिर में तो है नारायणी धाम है, बहुत ही बड़ा मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण की यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे तो मेरे जो जीजा जी हैं उनके मामा जी का यहाँ पे रो हाउस है, तो इसके लिए हम यहाँ का जो है कैंटीन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ का जो खाना है बहुत ही लाजवाब होता है, मैं इसके पहले आया हूँ यहाँ पे। देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अभी यहाँ पे खाना आ चुका है और अभी हम यहाँ पे, ये क्या है, भिंडी है, मस्त एक नंबर। ये देखो क्या पनीर है, बहुत ही बढ़िया है। कचौरी है, ये देखिए कितनी कचौरियां हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ पे खाना हो चुका है, बैक टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि इधर पीछे क्या है, स्विमिंग पूल कैसा है यहाँ का। छोटा है पर बहुत ही प्यारा है। लोगों को यहाँ पे छुट्टियों के टाइम पे और क्या चाहिए, स्विमिंग पूल है, बंगला है, खाना मिल रहा है यहाँ पे, और क्या चाहिए, एक नंबर लोकेशन है। तो ये जो जगह का नाम है वो है कुमार हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे करीबन बहुत सारे, मतलब मुझे मालूम नहीं पर काफी सारे बंगलोज हैं यहाँ पे, और वो सारे बंगलोज जो है रेंट पे भी दिए जाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको आना है, बड़ा ग्रुप है 10-12 लोगों का, आइए लीजिए रूम, मजा कीजिए यहाँ पे। ये देखिए ये वराई बंगला है, और ये यहाँ पे जो है ये वन डे पिकनिक के लिए ये लोग भी देते हैं यहाँ पे। 4 BHK है और एक्सेस जो है चारों साइड से एक्सेस है यहाँ पे। दोस्तों ये वन डे पिकनिक के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, ये सिर्फ वेज वालों के लिए यहाँ पे अलाउड है। और यहाँ पे आपको मस्त स्विमिंग पूल से लेके 2 रूम, गेमिंग एरिया, सब कुछ मिलेगा बच्चों के लिए, मस्त है। इनकेस अगर आपको ये लगता है कि चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको पर्सनल मैसेज करके सारा इन्फॉर्मेशन। फाइनली निकलने की बारी आ गई, तो हम यहाँ से एग्जैक्टली 2:35-2:40 के बीच में निकले यहाँ से, और रास्ते का मस्त आनंद लेते हुए जा रहे थे। इतनी अच्छी वादियाँ, लोनावाला, खंडाला, मजा आ गया। पर बीच बीच में कहाँ ना कहाँ हमको ट्रैफिक मिल रही थी, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत खराब लगी, वो है टोल रेट। आप गेस कर सकते हैं कितना, 80, 100, 200, 300, नहीं बिल्कुल 407 रुपए का वन साइड, जो वीकेंड में खचाखच ट्रैफिक से भरा हुआ रहता। फाइनली जो है मुंबई में हम पहुंच चुके हैं
और ये थाना है, थाना पे रिपब्लिक डे के दिन पे इतना मस्त यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है, सारे फ्लाईओवर्स के नीचे, सारे वॉल्स पे, हर जगह पे जो है काफी अच्छी तरह से पेंटिंग किया हुआ है। जन्म तेरे साथ हो चुके हैं और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, तो अभी हम जाने वाले हैं घर पे फटाफट। यहाँ पे शायद इनके बिल्डिंग में यहाँ पे फ्यूमिगेशन का काम चल रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, मस्त फर्स्ट क्लास एकदम ट्रिप। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। चलो चलो, थैंक यू सो मच, मस्त मजा आया। हाँ अभी निकालेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे गाड़ी को निकालने के लिए। फाइनली हमने हमारी गाड़ी ले ली है और हम पहुंचने वाले हैं और 15 मिनट के बाद में घर पे वापस से। तो जैसे आप देख सकते हैं शाम के बजे हुए एग्जैक्टली 6:30। थैंक यू बोलना चाहते हैं बाबा को, क्योंकि आज का और कल का दिन जो है बहुत ही अच्छी तरह से गया, अच्छी तरह से सुख से, वैसे ही सुख से वापस से आए हैं। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको सही में अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मुंबई के आसपास में आपको आउटिंग करने के लिए कोई एक नई जगह एक्सप्लोर करनी है, तो आप बिल्कुल ये वाली जगह पे जा सकते हो और अपने आप को अनवाइंड कर सकते हो। तो प्लीज बस यही बोलूंगा। तो मनित को यहाँ पे बताना चाहेगा, यहाँ पे इधर से पहला एक ही ओवरनाइट होती है बस, उसके बाद अगले दिन घर। तो ऐसा मत समझना कि दो तीन दिन रुक सकते हैं इधर। मनित जो है एक लास्ट बाय करने वाला है। बाय